Hello everyone, welcome to NHT Global Business Opportunity Presentation. आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत है यहाँ पे. जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो NHT Global का जो प्रेजेंटेशन है वो उन लोगों में से आप गिने चुने लोगों में से एक हो, बहुत सारे लकी लोगों में से एक हो जो फर्स्ट टाइम ये NHT Global का प्रेजेंटेशन देख रहे हैं. और इससे पहले मैं आपको प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, माय नेम इज पंकज और मैं इंडिया से ये प्रेजेंटेशन होस्ट कर रहा हूँ. और जैसा कि मैंने अभी ये बिजनेस स्टार्ट किया है और मैं इस बिजनेस में के बारे में जो भी डिटेल्स है उसके बारे में आपको स्लाइड बाय स्लाइड आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ हमारे जो कंपनी के अप्लाइंग एंड मेंटोर हैं मिस्टर लॉरिस स्टैगलिस जो कि लातविया कंट्री से बिलोंग करते हैं. तो मैं चाहूंगा कि मैं उनका वेलकम करना चाहूंगा और उनसे उनकी स्टोरी से हम बिगिन करेंगे इस प्रेजेंटेशन को, वेबिनार को. सो हियर मिस्टर लॉरिस ओवर द फोन. यस हेलो एवरीवन एंड इट्स माय प्लेजर टू बी ऑन दिस वेबिनार. हेलो अभी लॉरिस सर ने आप सभी का हार्दिक अभिनंदन किया है इस वेबिनार के शुरुआत में. Yes, and as Pankaj already mentioned, my name is Lauris Stiglitz and I live in Latvia, in Europe. And before Pankaj will start to share this information about this opportunity, I would like to share some my experience about this industry. जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि मैं आगे प्रेजेंटेशन में जैसे ही आगे जाता हूँ उससे पहले हम लॉरिस सर की स्टोरी के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में, एनएचटी ग्लोबल में उन्होंने किस तरीके से सक्सेस अचीव की है उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे. Yes, so I'm an entrepreneur, so and I had several, let's say, classical businesses in my country and also abroad. And later on, when I developed my own business also in, let's say, international waters with my partners, I will take pause. Pankaj, can you translate? So जैसा कि अभी इन्होंने जो business start किया वो पहले अपने local area से start किया और इसको expand करते करते बहुत सारी जगह internationally इन्होंने business expand किया है. So yeah, so when I had this international business, then you know I had a lot of trouble started there. और जैसे इन्होंने ये इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट किया तो इनकी इनके पास बहुत सारे ट्रबल हुए इनके बिजनेस स्टार्टअप टाइम में. Yeah, because when I was a small company and a local one, I didn't have to manage a lot of issues. But later on, when I had this international business, I had to do all the things inside the company. और जैसे मैं इन्होंने पहले स्मॉल कंपनी से स्टार्ट किया था तो बहुत सारे इश्यूज थे मैनेजमेंट को लेके और बहुत सारी चीजें थी जो ये हैंडल नहीं कर पा रहे थे. बट जब इन्होंने इंटरनेशनली ये बिजनेस को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया तो यहां पे बहुत सारी इनको हेल्प मिली कंपनी की तरफ से. सो एज आई हैड टू डू लेट्स से ऑल द थिंग्स लाइक हायरिंग पीपल, लुकिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज, डूइंग द बुककीपिंग, इनवॉइसिंग, टॉकिंग टू डेबिटर्स, क्रेडिटर्स, यू नो, डू द फाइनेंशियल थिंग एंड यू नो ऑल्सो check after the local warehouses, I didn't quite have time to actually do the business. जैसा कि ये सब चीजें जो business में normally रहती हैं, वो सारी चीजों को handle करते हुए इनके पास कुछ नया start करने का time नहीं था basically. And after some years, you know, in this type of environment, I started really, you know, to struggle, and I didn't like actually what I'm doing. और काफी टाइम इन्होंने स्ट्रगल करने के बाद जिस लाइफ में ये अभी चल रहे थे उनको ये खुद की लाइफ से खुद से घृणा होने लगी, हेट होने लगी. And that's why I started actually to look around what kind of other business type or what kind of solution I can find, you know, to build a global business but at the same time focus on the main business activities. इन्होंने जस्ट उसी टाइम पे कुछ ऐसा सोचा कि कुछ मेरा बिजनेस ऐसा स्टार्ट हो जो ग्लोबली मैं उसको बिल्ड कर सकूं और किसी भी तरह का अगर कोई क्राइसिस भी आता है, किसी भी तरह का इकोनॉमी क्राइसिस आता है तो इनके बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. तो एक ग्लोबली एक बिजनेस इन्होंने स्टार्ट करने का सोचा.
And lucky for me, I was introduced to network marketing business. And at that time, I was starting looking around what kind of companies I would like to join, and which company I would like to start the business. और जैसा कि नो इनको इंट्रोड्यूस किया गया नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो ये बहुत लकी थे कि इस इंडस्ट्री के साथ उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया And when I started to check, I found that there are a lot of companies globally which are in this industry. And I started to think, okay, which would be the best, at least for me, to join. और जैसा इन्होंने जब डिसीजन लिया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्होंने देखा बहुत सारी कंपनीज हैं ग्लोबली चल रही हैं लेकिन तब इन्होंने सोचा कि कौन सी कंपनी इनके लिए बेस्ट रहेगी Yeah, and doing my research, I understand that I would like to join the company which had a really great products, good compensation package, and also later on I found out that's very important that the company is a publicly traded company. Okay, जैसे इन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया कि इस इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए तो इन्होंने पाया कि कंपनी के पास एक अच्छी प्रोडक्ट्स लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स होने चाहिए कंपनी जो पे आउट देती है कंपनसेशन प्लान वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कंपनी पब्लिकली ट्रेडेड होनी चाहिए शेयर मार्केट में उसकी खुद की शेयर्स होने चाहिए And doing that research, I came to several companies, and I don't know if universe heard me, but they sent me my current upline, Mr. Dalibor, which approached me. तो इस तरीके से जो इनके अपलाइन है मिस्टर दालिबोर चेक रिपब्लिक से उन्होंने इनको एक लिंक सेंड किया और उसके थ्रू ये कंपनी को इंट्रोड्यूस हुई And that's how I got introduced to NHT Global, which from my all criteria was fulfilling every my need. तो इस तरीके से इनका जो इंट्रोडक्शन हुआ NHT Global के साथ और अभी इसके साथ ये हर एक अपनी लाइफ की एक जरूरत को पूरा कर सकते हैं And from my business experience, I was really glad that the company does all the administration tasks, and I don't have to focus on, let's say, finding a product and warehousing, invoicing, all the things. It's all done by the company. तो इस तरीके से इन्होंने जिस कंपनी में देखा कि सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके जितना भी लॉजिस्टिक एवरीथिंग है सब कंपनी देखती है इनको कोई भी अपने तरफ से बिजनेस की वो छोटी से छोटी बातें जो नॉर्मली ट्रेडिशनल बिजनेस में होती हैं वो सब की देखरेख करने की जरूरत नहीं पड़ी And I started to enjoy, to be a businessman and building businesses. I was meeting with many people, and I had time to really focus on the core function of the business. इस तरीके से इन्होंने as a business person इस business को enjoy भी कर रहे हैं और जो बहुत सारी चीजें हैं जो उनको enjoy करते हुए ये business कर रहे हैं. And yeah, in this business, I'm ready for 4 years. And currently, I have business in many countries. And also, the good thing is that the business is growing even when I'm sleeping. So, सबसे best thing ये है यहाँ पे कि इन्होंने करीबन 4 साल से ये business में active हैं और इनका business globally काफी जगह फैल चुका है. और सबसे अच्छी बात ये है कि ये even सो भी रहे होंगे तभी इनका business grow हो रहा है globally. And we are expanding also the business into many countries, and India actually will be one of the next ones which we are developing. जैसा कि इन्होंने यूरोप में और बाकी सारे कॉन्टिनेंटल में इन्होंने बिजनेस अपना एक्सपांड किया है, एक्सप्लोर किया है. अब ये हमारी बारी है इंडिया में इस बार बिजनेस जो अभी स्टार्ट होने वाला है, उसमें हम एक भागीदार बन सकते हैं. हम बहुत ही लकी हैं कि इस प्रेजेंटेशन को हम देख रहे हैं. And the good thing is that you can be part of this. So, सबसे अच्छी बात है कि हम इस कंपनी के पार्ट बन सकते हैं, जो कि आने वाले टाइम में इंडिया में लॉन्च होने वाली है. That's why I really suggest to listen closely to Pankaj in which the information he will share. So, इस तरीके से अभी इस यहाँ से जो पार्ट है कंपनी की बेसिक इनफॉरमेशन, कंपनी का जो प्रोडक्ट लाइन, कंपनी का प्लान, तो बेसिक चीजें हैं वो यहाँ से मैं आपको शेयर करना चाहूंगा. Yes, thank you so much, Lori, sir. Yeah, thank you. That's all. And then I'm giving handing back to you. Over.
Pankaj. Yeah, thank you so much. So यहाँ से हम company के बारे में जैसा कि step by step company का background क्या है, company के products क्या हैं, company किस तरीके से pay out करती है और generally company में हम कैसे partner बन सकते हैं इसके बारे में हम detail में जानना चाहेंगे. So company का जो नाम है वो है NHT Global और ये company globally expand कर रही है और जैसा इंडिया में हमारा अभी बेटर चांस है और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इसकी हम कंपनी के फाउंडर मेंबर की तरह कंपनी को हम स्टार्ट कर सकते हैं और अराउंड पूरे इंडिया में हर एक स्टेट में हर एक सिटी में इसका एक्सपांशन कर सकते हैं. सो गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जैसे कि आप देख सकते हो कि हर एक दिन बोलते हैं कि एक नया अवसर लेके आता है कि आपकी लाइफ को चेंज कैसे कर सकते हैं. तो हर एक दिन आपकी लाइफ में कुछ बेटर लेके आता है, तो ये हम पे डिपेंड करता है कि उस दिन को हम किस तरीके से लेते हैं और हमारे आने वाले कल को कैसे बेहतर बना सकते हैं. अभी हम बात करते हैं जॉब, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, लोग अगर बहुत सारे लोग हैं जो जॉब में और बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, बट अगर हम जॉब सेटिस्फेक्शन की बात करें तो एक कुछ डेटा है हमारे पास, कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो करीबन अलग अलग कंट्रीज से लिए गए हैं, अराउंड द ग्लोब लिए गए हैं. उसमें हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट अगर हम एवरेज निकालेंगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, किसी किसी कंट्री में आप देख सकते हैं जैसे स्टैटिस्टिक्स हैं यहाँ पे कि बुल्गारिया और ऐसे कुछ लिथुआनिया ग्रीस ऐसे कुछ कंट्रीज में ही जो परसेंटेज है जहाँ पे लोग जॉब से ज्यादा सेटिस्फाई हैं देख सकते हैं आप 70-71%, बट मोस्टली जो कंट्रीज में आप देखेंगे तो इसका एवरेज जो है जो परसेंटेज है जो औसत है वो करीबन काफी कम है, मीन्स 50% से कम है. तो बहुत कम ही लोग ऐसे अराउंड द वर्ल्ड हैं जो जॉब से सेटिस्फाई हैं और जॉब को पसंद करते हैं करना. सो यहाँ पे NHT Global आपको एक चांस देता है आपको एक अपनी लाइफ में चेंज अपने लाने का. तो NHT Global क्या है एग्जैक्टली, अभी जिस तरीके से मैंने बात की है यहाँ पे कंपनी का एक लॉन्च पीरियड है. कंपनी यहाँ पे अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जॉब जो मेंटेलिटी रहती है हमारी जो एक तरह से सोच रहती है थिंकिंग रहती है कि सारे लोग देखेंगे तो अभी जॉब फील्ड में ही जा रहे हैं बिकॉज वो इजी है और वहाँ पे कुछ बड़े चैलेंजेस नहीं है. जो चीजें हैं वो अपने हिसाब से जो ट्रेनिंग है उस हिसाब से कंपनी देती है उसी को फॉलो करते हुए जॉब करते रहना है, लेकिन उसका एक आउटकम देखेंगे तो काफी साल बीतने के बाद हमारे हाथ में सिर्फ अगर देखेंगे तो बैड हेल्थ और कुछ चंद रुपए ही रह जाते हैं. और टाइमिंग की बात करें तो हमारे फैमिली के लिए भी हमारे पास निकालने के लिए टाइम नहीं होता है. बट अगर आप बिजनेस की बात करते हो तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं वहां पे. अगर आप स्टैंड लेते हैं कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहां पे आप अकेले होते हैं, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं NHT Global में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो नॉर्मली बिजनेस में फेस करनी पड़ती हैं वो यहाँ पे आपको यहाँ पे नहीं होती हैं जनरली. अभी जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं अकेले ही कंप्लीट करनी पड़ती है, टाइमिंग भी देखना ही पड़ता है कि बिजनेस में आपका टाइमिंग जो फील्ड में आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं वहां पे आपका टाइमिंग परफेक्ट है कि नहीं है. लॉट ऑफ इन्वेंट्री बहुत सारा आपको किसी भी बिजनेस में अगर आप स्टार्टअप करते हो तो बहुत सारा इन्वेंट्री रखना पड़ता है, और अगर ऑफिसेज हैं तो उसके लिए रेंट और एम्प्लॉयज आपके एम्प्लॉयज जो रखते हैं उनके लिए एक सैलरी पे आउट भी आपको खुद ही देना पड़ता है, और एक एडवर्टाइजमेंट भी देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको खुद ही अकेले करनी पड़ती है. बट सबसे बेस्ट थिंग यहाँ पे है NHT आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां पे आपको ये सब चीजों को फिगर आउट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. ऑलरेडी कंपनी इन सब चीजों का टेक केयर करती है. जस्ट ओनली थिंग कि आप ये बिजनेस कैसे करना चाहते हैं उसके बारे में हम आगे जानते हैं. अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो जनरली आज की डेट में ई कॉमर्स एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पे किसी भी कंपनी का ई कॉमर्स के थ्रू आप देख सकते हैं बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है. जैसा कि हम 2012 से देख रहे हैं ग्राफ में देख रहे हैं ये US बिलियन डॉलर्स का ग्राफ है कि जहाँ पे इंडस्ट्री धीरे धीरे आई थी चलन में आई थी, बहुत सारे लोग ई कॉमर्स का बिजनेस अपना रहे थे, ई कॉमर्स के थ्रू उनका बिजनेस ग्रो हो रहा था. तो जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते गए तो आज की डेट में अगर 2017 तक में भी देखेंगे तो 1800 बिलियन डॉलर से बड़ी इंडस्ट्री हो गई है, ये प्लेटफॉर्म हो गया है ई कॉमर्स का जहाँ से कोई भी कंपनी ई कॉमर्स के थ्रू अपना बिजनेस एक्सपांड कर रही है. और माना जाता है कि करीबन अगले साल जस्ट 2018 के एंड तक
कि करीबन 2400 बिलियन डॉलर की का प्लेटफॉर्म बन चुका है होगा, जहां से ये कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, ई कॉमर्स का बिजनेस। सो अभी अगर बात आती है कि एनएसटी ग्लोबल ही क्यों, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपनी जो है जो अमेरिका से स्टार्ट हुई है, और कंपनी का फुल फॉर्म अगर हम जानना चाहेंगे तो नेचुरल हेल्थ ट्रेंड्स कॉर्पोरेशन, एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है जो प्रूवन है, ऑलरेडी 2001 से फाउंड हुई थी और चलते चलते काफी सारे कंट्रीज में अभी हो चुकी है, और ट्रस्ट वर्दी एक ग्लोबल कंपनी है जो कोई किसी भी कंट्री का अगर कुछ इकोनॉमी अगर ग्लोबली हिट भी होता है या कुछ क्राइसिस भी आते हैं तो इस कंपनी की टर्नओवर पे, इस कंपनी की बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मीन्स ये बिजनेस ग्लोबली आप बिल्ड कर सकते हैं कंपनी के ग्रोथ के साथ। सो एनएसटी ग्लोबल चूज क्यों करना है, जैसा मैंने बताया ग्लोबल बिजनेस है, और अगर आज की डेट में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो अगर कोई आपका बिजनेस ग्लोबली ग्रो कर रहा है तो आपको किसी भी तरह का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है कि अगर कोई किसी भी तरह का इकोनॉमी में कोई स्लो आता है या कुछ क्राइसिस आती है तो आपके बिजनेस में उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, बिकॉज आपका बिजनेस इंडिया के बाहर भी ग्रो हो रहा है। तो जो ग्लोबल फुटप्रिंट आप देख सकते हैं, कंपनी ने ऑलरेडी बहुत सारे कंट्रीज में, करीबन 40+ कंट्रीज में यहाँ पे अराउंड द वर्ल्ड कंपनी ग्रो हो चुकी है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो टर्नओवर है, कंपनी का जो ऑर्डर है, जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, वो 2010 से और 15 तक में आप देख सकते हैं काफी सारे मिलियन डॉलर में ये ग्रोथ कंटिन्यूअसली मूव हो रही है। ये ग्राफ है जो ड्रास्टिकली करीबन देखा जाए तो काफी स्पीड से ग्राफ बढ़ रहा है, ऑर्डर्स यानी अलग अलग कंट्रीज से जो इसका जो सेल्स बिल्ड हो रहा है काफी सारा, जो जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि आज की डेट में 2015 तक इसका जो ग्रोथ है वो मिलियन डॉलर, 76.2 मिलियन डॉलर में गया है। तो इस तरीके से जो ऑर्डर का जो ग्रोथ है वो इस तरीके से मूव हो रहा है। अगर हम बात करते हैं किसी कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, तो जैसा मैंने बताया कंपनी ये पब्लिकली ट्रेडेड है, इसका जो भी रेवेन्यू है वो आप देख सकते हैं, और ये 2010 से 2015 तक का ही एक हमें ग्राफ दिखा रहे हैं आपको, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2010 से जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तो 23.6 मिलियन डॉलर का इसने रेवेन्यू जनरेट किया था, और जैसे जैसे ये कंपनी बढ़ रही है ईयर बाय ईयर, इसका जो डबल डिजिट ग्रोथ था वो आप देख सकते हैं करीबन आज की डेट में जो ग्रोथ हो चुका है, जो मोस्टली ग्रोथ आप देख सकते हैं जो ट्रिपल डिजिट में इसने क्रॉस किया है। सो जस्ट 2015 तक का ही अगर हम देखेंगे तो 262.5 मिलियन डॉलर, तो इतना ज्यादा ग्रोथ आप देख सकते हैं रेवेन्यू में हुआ है, और स्टिल कंपनी ग्रो कर रही है। 2017 का भी स्टैटिस्टिक्स जल्द ही आने वाला है। यस, सो ये कंपनी जैसा मैंने बताया पब्लिकली ट्रेडेड है, तो फॉर्च्यून मैगजीन के बारे में आप सभी ने सुना होगा, फॉर्च्यून मैगजीन में वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज हर साल लिस्टेड होती है, और इसमें बहुत सारी कंपनीज जो ग्रो कर रही हैं उनका एक रैंकिंग भी होता है। तो इस रैंकिंग के हिसाब से अगर आप देख सकते हैं कि एनएसटी ग्लोबल जो है ये एनएसटीसी के फॉर्म में यहाँ पे नंबर 2 पे लिस्टेड है, जो कि 2015 का आप देख सकते हैं, और 2016-2017 में इसने नंबर 1 रैंकिंग अचीव की है फॉर्च्यून मैगजीन में, एक बहुत ही बड़ी मैगजीन मानी जाती है जहां पे हर एक कंपनी का ग्रोथ लिस्ट किया जाता है, किस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है। तो एक हाईली रेस्पेक्टेड यूएस बिजनेस का जो पब्लिकेशन है उसमें कंपनी लिस्टेड है। जैसे मैं बताया कि वर्ल्ड की जो फास्टेस्ट जो कंपनी फॉर्च्यून मैगजीन में जो लिस्टेड होती है उसमें 100 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में भी लिस्टेड हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं नंबर 1 रैंकिंग पे 2016-2017 में ऑलरेडी रह चुकी है। यूएसए में जो अमेरिका का जो न्यूज़पेपर है एक लार्जेस्ट सर्कुलेशन का, उसमें भी कंपनी के जो स्टॉक्स हैं उसके बारे में बहुत चर्चा हुई है। तो कंपनी 5 मोस्ट सरप्राइजिंग स्टॉक जो 2015 के सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग स्टॉक थे जो उसके बारे में कंपनी लिस्टेड हुई, और यहाँ पे इस न्यूज़पेपर के बारे में आप जो देख सकते हैं कि अमेरिकन सिक्योरिटी न्यूज जो अप्रैल 7th में वहां पे कंपनी को रिकॉग्नाइज किया गया था
कंपनी को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज ए नंबर वन, जो 20 बेस्ट स्टॉक थे वहां पे, जो 20 बेस्ट स्टॉक जो लिस्ट हुए थे जिसमें जिसको आप बाय कर सकते थे, उस पे नंबर वन रैंकिंग पे इसको लिस्ट किया गया था, जो कि सबसे बड़ी बात हो है कंपनी के लिए। अभी हम बात करना चाहेंगे ये कंपनी का प्रोफाइल था, बट अभी कंपनी किन किन सेक्टर में डील करती है, तो कंपनी के ऑलरेडी चार सेक्शन हैं जहां पे कंपनी के प्रोडक्ट आ चुके हैं और अराउंड द वर्ल्ड यहां पे कंपनी का बिजनेस डे बाय डे, ईयर बाय ईयर ग्रोथ हो रहा है। तो पहला जो सेक्शन है यहां पे वेलनेस है, कंपनी वेलनेस के फील्ड में भी है, हर्बल प्रोडक्ट्स के फील्ड में भी है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के फील्ड में भी है, एंड लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट्स में भी कंपनी ग्रो कर रही है। यहाँ पे एक प्रोडक्ट लाइन है जो एक कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में, जैसे एंटीऑक्सीडेंट, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, नोनी के नाम से इनका प्रोडक्ट है जो एंटीऑक्सीडेंट काफी अच्छा रखता है, एनर्जिन है इम्प्रूव मेमोरी के लिए, और सेलुलर हाइड्रेशन है, टॉक्सिन के लिए डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो प्रोडक्ट है, और फोकस जो स्लीप लोगों को सोमनिया जैसी प्रॉब्लम रहती है उसके बारे में भी यहाँ पे प्रोडक्ट है, और इम्यूनिटी लेवल जो आज की डेट में बहुत ही कम हो चुका है लोगों को, उसको एनहेंस करने के लिए भी यहाँ पे प्रोडक्ट है, और सिंपली देखा जाए तो काफी सारा डाइजेशन रिलेटेड भी यहाँ पे प्रोडक्ट है, ज्वाइंट हेल्थ रिलेटेड है, और सेल जनरेशन जो एक स्टेम रेन्यू करके प्रोडक्ट है, ये सारे प्रोडक्ट लाइन आप देख सकते हैं। ब्यूटी के फील्ड में जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कंपनी का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है ये स्किन डल्जेंस, जो कि 30 मिनट में ही रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर देता है रिंकल्स पे, फाइन लाइंस पे, ऐसे आप अलग अलग कंपनी के जो सेगमेंट है ब्यूटी में, एंटीऑक्सीडेंट स्किन के लिए और जो एजिंग साइंस है उनको प्रिवेंट करने के लिए और हाइड्रेट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसे अलग अलग बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं स्किन में भी। ये जैसे मैंने स्किन डल्जेंस की बात की, कंपनी का जो बेहतरीन फ्लैगशिप प्रोडक्ट है जिसके साथ इंडिया में कंपनी ने अप्रूवल लिया है, और इसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट अप्रूवल लिया है जिसके बारे में आगे जानेंगे। ये आप रिजल्ट कुछ रिजल्ट है जो देख सकते हैं, जो रिंकल्स पे, फाइन लाइंस पे, फेयरनेस पे काफी अच्छा रिजल्ट देता है, पिगमेंटेशन से लेके और पिंपल्स तक में यहाँ पे रिजल्ट है इस प्रोडक्ट का। और बेहतरीन ये चीज है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ 30 मिनट्स में ही रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर देता है। अगर कोई पर्सन इसको मोर देन 3 मंथ तक यूज करता है तो वो 10 to 15 years younger भी दिख सकता है। तो यहाँ पे हम जैसे बात की थी लाइफ स्टाइल के प्रोडक्ट के बारे में, तो ये यहाँ पे अलग अलग रेंज है, और जैसे मेल परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए भी यहाँ पे प्रोडक्ट है, और जो इंटीमेसी को लेके भी यहाँ पे मैन कैटेगरी, मैन वुमेन कैटेगरी में दोनों में भी प्रोडक्ट है, और यहाँ पे वेट मैनेजमेंट का भी सेक्शन कंपनी ने रखा है। अभी बात आती है कंपनी का बिजनेस अगर हमें स्टार्ट करना है तो कौन से स्टेप हमें लेने पड़ेंगे। सबसे पहले कंपनी का एक बिजनेस ऑनर का एक आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, जो आप ग्लोबली जिसके थ्रू आप बिजनेस कर सकते हैं, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। एंड सेकंड थिंग, कंपनी का कोई भी कंपनी का बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना है तो वहां पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप लेना चाहते हैं उसके अलग अलग लेवल्स हैं। कौन से लेवल से आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो 90 BV से लेके आप 1250 BV तक, यहाँ पे जो जिनके अलग अलग बेनिफिट्स हैं, जिनके अलग अलग काफी सारा मार्जिन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3% से लेके 34% तक कंपनी रिटेल प्रॉफिट ही देती है। ऐसे बहुत सारे जो प्रॉफिट्स हैं, इनकम है, वो आगे चल के शेयर कर सकते हैं। और द बेस्ट थिंग इज कि जो अगर आप प्रोडक्ट डालते हैं, जो आपने प्रोडक्ट जो ऑर्डर प्लेस किया है वो खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और वो प्रोडक्ट्स आप शेयर भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो इनकम है, जो रिटेल फॉर्म में जो इनकम है, 3% से लेके 34% तक आप अचीव कर सकते हैं। जो दूसरा इनकम है कंपनी का वो है डायरेक्ट बोनस। अभी ये बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हो और किसी दूसरे पर्सन को अगर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो फर्स्ट जो आपका जो डायरेक्ट लाइन होगा जिसको आपने डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया है, उस पर आप 10% से लेके सेकेंड जनरेशन जो आपका सेकेंड जिसको आपने इंट्रोड्यूस किया है उसको 5% से लेके 3%, इस तरीके से अलग अलग डायरेक्ट बोनस आप इनिशियल ऑर्डर पे अर्न कर सकते हैं। एंड द थिंग इज जो सेकंड जो आपका जो साइकिल बोनस है, जिसको बाइनरी बोनस बोलते हैं, वो आप लेफ्ट एंड राइट यहाँ पे प्लेस जो प्लेसमेंट है कि टू टीम प्लान है, यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लाइन प्लेस नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ दो ही
जो लेफ्ट एंड राइट है उन्हीं को आपको बिल्ड करना है और उन्हीं को सपोर्ट करते हुए आपको ये बिजनेस ग्रो करना है। इस तरीके से जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे दिखाया, जस्ट आपको यहाँ पे जस्ट दो लोग हैं जो उनके ही नीचे आपको लोगों को प्लेस करना है और लोगों को यहाँ पे उनको हेल्प करनी है कैसे वो बिजनेस ग्रो कर सकते हैं और उनको बिजनेस सिखाते हुए आप आगे ग्रो कर सकते हैं। ये जो वीकली कमीशन कंपनी एवरी फ्राइडे कंपनी वीकली पे आउट देती है, सो यहाँ पे ये जो सेकंड जो थर्ड इनकम की हम बात कर रहे थे, जो यहाँ पे एक साइकिल होता है, ये साइकिल कंप्लीट होने के बाद जो 2500 बीवी बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, या राइट साइड में 1250 ये बीवी अगर आपकी होते हैं तो एक आपका साइकिल कंप्लीट होता है। तो इस पे कंपनी अगर आप जो लेवल है जो टॉप के लेवल्स हैं उसमें अगर आप रहते हैं तो वो 20% करीबन आपका जो बाइनरी साइकिल पे कंपनी देती है $250। अगर आप सिल्वर जो सेकंड लेवल है जो उसपे अगर आप हैं तो कंपनी 10% के हिसाब से $125 का आपको इनकम देती है एंड 5% के हिसाब से कंपनी $62.5 का इनकम देती है। इसके इस इनकम के कुछ लिमिटेशंस हैं, बट ये $50,000 के हिसाब से आप वीकली ही उठा सकते हैं, ये ले सकते हैं इनकम। ये फाइनली आप देख रहे हैं कि जो जनरेशन जो बोनस है, जनरेशनल बोनस है, ये बोनस आप उठा सकते हैं, मींस ये बोनस आप ले सकते हैं कंपनी से। अगर आपने जिन जिन भी लोगों को फर्स्ट लाइन में आपने प्लेस किया है उन पे आप 10% से लेके 3% तक थर्ड लाइन तक आप देख सकते हैं, अलग अलग लेवल्स से अलग अलग बोनसेस हैं। एंड द मैचिंग लास्ट जिस मैचिंग बोनस, तो मैचिंग बोनस जब भी आपकी फ्रंट लाइन उनका कोई भी साइकिल कंप्लीट होता है तो उस पर भी कंपनी आपको मैचिंग बोनस देती है। तो ये लेवल, ये थर्ड लेवल तक ये आप जनरेशनल बोनस और मैचिंग बोनस दोनों ही ले सकते हैं। अब ये बात करते हैं कि कंपनी यहाँ पे ट्रिप इंसेंटिव्स, कंपनी ऑलरेडी बहुत सारे ट्रिप्स प्रोवाइड करती है आपके बिजनेस पे। बहुत सारे जो कंपनी के ट्रिप्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, यहाँ पे आप उनका पार्ट बन सकते हैं कंपनी के थ्रू, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो वैकेशन अचीव कर सकते हैं। सो जिस तरीके से बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे कंपनी के इवेंट्स होते हैं, उनको इंटरेस्टली आप अटेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अचीव करके। अभी यहाँ पे कंपनी जो है काफी ज्यादा सपोर्ट देती है। सपोर्ट की बात करें तो हम यहाँ पे कंपनी को की तरफ से ऑलरेडी एक सिस्टम एस्टैब्लिश्ड है जिसके थ्रू आप जीरो से लेके टॉप तक जितनी भी चीजें आपको नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड है वो सारी चीजें कंपनी प्रोवाइड करती है आपको। लर्निंग प्रोसेस के लिए एवरीथिंग कंपनी सपोर्ट करती है, और जो लीडर्स हैं मेंटर्स हैं वो आपको हर एक जगह पे आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी रहते हैं, ऑलवेज दे आर रेडी टू हेल्प यू। सो फिर से जिस तरीके से हम बात करना चाहेंगे, ये एक जो आपका दिन है ये बहुत ही अलग दिन हो सकता है, एक चेंज ला सकता है आपकी लाइफ में, एक अनदर चांस है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को बेटर करने का। सो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ट्रेनिंग एंड सपोर्ट के बारे में एवरीथिंग, जो कंपनी के बारे में आपने यहाँ पे जो चीजें देखी वो आप वेबसाइट है कंपनी का yst.com, यहाँ पे कंपनी की वेबसाइट के थ्रू आप जा सकते हैं और काफी सारी चीजें यहाँ पे जो चीजें अगर मिस भी हुई हैं तो वहां पे जा सकते हैं और काफी सारी चीजें फिर से एक बार देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। Okay, yes, thank you everybody, and thank you Pankaj for this really good presentation. We are ready to answer all your questions, and just to do that, then basically ask the guy who invited you to this webinar, and we are gladly will answer all your questions, either you know by phone or by email or WhatsApp. And yes, that's all from our side, and yeah, looking forward to build business in India. Thank you guys. Thank you everybody.